हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। कल हम लोग भी काफी सारी शॉपिंग करके लाए हैं। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चेक करोगे, उसमें हम काफी सारे सामान लेके आए हैं। और अभी फिलहाल हमारा ये काम है, उस सारे सामान को, स्पेशली लाइट्स जो मेरा काम है, उस सबको लगाना पड़ेगा। साक्षी ऑलरेडी लग चुकी है अपने काम पे, वो कुछ कटिंग वटिंग कर रही है, जो मैं आपको फटाफट साक्षी से मिला देता हूँ। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। अभी मैं कर रही हूँ बहुत सारा काम। अचल का आज का काम है व्लॉगिंग करना, और आई होप आज के टाइम में वो लाइट्स लगा दे। मेरे को बहुत काम है, मेरे को ये बनाना है। एक तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये कभी बनाया नहीं है। कैसे काटा? एक 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 वर्ड अलग अलग। हाँ, और ये हमने दिए भी बनाए हैं। मैंने बनाया, सॉरी, हमने नहीं, मैंने मैंने नहीं, ये सब मैंने बनाया। और इसे हम बस अब एक धागे पे अच्छे से इसको प्रेजेंट करेंगे, देखते हैं और आपको दिखा देंगे। तो बोल बोल के दिखा दोगे सबको। देखो, ये पता नहीं चल रहा है, वो ये प्रिंट आउट से, ये कोई एक्चुअल रोज नहीं है। पर लग भी नहीं रहे होंगे वो, लगे बट ये होता है ना, घर की सब बता देगा। वो है ये। अभी फिलहाल मेरे पास ये एक पूरा बंडल है, फिर इधर काफी सारी लाइट्स है, स्पेशली ये वाली 300 वाली, इसका पता नहीं ये कहाँ लिया। वैसे फोटो में तो काफी बाहर तक दिखाया हुआ है, पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारा पूरा विंडो पे ये लाइट आ जाएगी तो अच्छी लगेगी बाहर से। ये थोड़ा छोटा लग रहा है। ये छोटे ही होते हैं। ऐसे नहीं है क्या दिवाली में? ना, तुमने लगा दी लाइट्स? देखो मैंने खोल लिया, बस खोल ही लिया है। पता नहीं कब तक होगा वो। मैं सोचो, देखो मेरा जो, ये सोचते ही रहोगे तुम। मेरा जो आइडिया तो सुन लो एक बार। हाँ। पहले स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ, यहाँ से स्विच लेके, और फिर चारों तरफ को, इस विंडो के चारों तरफ को लगा दूंगा लाइट। से पहले देखो एक आइडिया फटाफट वाला। सबसे पहले ये जो फूल है ना, नहीं एक तो ये भी फूल है, एक ये जो ये वाले फूल है ना, इनको हटाओ और इनको लगा दो, तो कम से कम थोड़ी स्पेस तो बनेगी और एक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप दिखाइए लगा के, एक तो लगाइए। देखो मैं अब और ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं लगवाऊंगी। तो तुम्हारा सिर्फ ये हैप्पी दिवाली चिपकाना है, सिर्फ ये। कितनी सेलो टेप लगानी पड़ रही है, अभी रंगोली भी बनानी है। आई होप अगर बन गई तो। सुनो ना एक बार, ये वाला जो है इधर का, अभी तक एक ही लगी है ना, यहाँ पे एक बार होल्ड कर लो इसको। अच्छा, बस यहाँ पे मैं पूरे दिन यही खड़ी रहूंगी तुम्हारे बस साथ। एक बार बस, लास्ट है ये, इसके बाद लग गई है ऑलमोस्ट। यहाँ तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो फ्री फॉल है। एक काम करो, ये वाला प्लग लगा के देखो जल रही है नहीं। जी सर। वाओ वाओ वाओ, ये देखो मेरा पहला काम, बहुत ही बेहतरीन। कैसा लगा? व्यू अच्छा नहीं आ रहा, तुम हट जाओ जरा। ये HAPPY, अभी तक वाई भी नहीं लगा तुम्हारा, हैप्पी। तो क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुमने मेरी हेल्प मांगी। टेप काट के दो ना, टेप काट के दो ना। टेप मैंने एक बार बोला है बस, तुम्हारा तब से HAPPY पे हो। ठीक है ना, अब तुम कैमरे के सामने पलट जाओ। अब आगे अभी और भी लड़ी है ना तुम्हारे पास। लगा लो, मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं इस पूरी वॉल पे यहाँ पे लाइट्स लगाने वाला हूँ, स्पेशली हैप्पी दिवाली के चारों तरफ। अब मैं तुमसे पहले करके दिखाऊंगी, देखना गाइस, मैं पहले ही करके दिखा दूंगी। चलो डन। एक सॉल्यूशन देती हूँ, एयर लगी रहने दो, बाकी न्यू ईयर पे लगा लेना। तो ये जो तुमने निकाला है, ये हम टांगेंगे बीच में। अरे रुक तो, छो टूटेगा। बीच में नहीं टंगेगा वो, साइड में, इसके ऊपर टांग दो, वो नेल है ना। अच्छा, उस पर टांग दो। गुड आइडिया। चलो पहले अकल की बात करी तुमने। वो मैं करती आई हूँ ना ऐसे काम, तो तुम्हें आदत नहीं है। हाँ भैया, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। इलेक्ट्रिकल तो करी थी ना, बीटेक। तो गाइस, इधर मैंने पूरे घर में लाइट फैला दी है, लगाई बहुत कम है अभी, नीचे काफी सारी लाइट्स फैली हुई है। उधर साक्षी, मेरा काम ऑलमोस्ट होने वाला है। साक्षी की रंगोली अच्छी लग रही है, क्या है शेप इसकी? अभी फाइनल दूंगी तब देखना। तुमसे पहले होने वाला है मेरा काम, तुमसे पहले देखना। मैंने सोच लिया है कि मेरे को कहाँ कहाँ लगानी है, बस अचल सोच रहा है तब से, सोचते रहो। 2 hours later. तो गाइस, हमने सारी तैयारियां कर ली है, मैंने सारी लाइट्स लगा दी है। और मैंने अच्छा सच बोल दो, और साक्षी ने रंगोली बना ली है। मैंने सिर्फ रंगोली बनाई है? हाँ जी, आपने सिर्फ रंगोली बनाई है, लाइट्स में थोड़ा सा आपने हेल्प करी है टेप देने में, टेप काट काट के टेप दी है। चलो कोई नहीं, दिवाली है, मैं माफ कर देती हूँ लोगों को, कोई बात नहीं। अपने घर का ही इंसान है। सच्चाई ऐसी होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? तैयार होना। उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, तुम क्रेडिट किसको दोगे ज्यादा? मतलब 100% में से किसने ज्यादा काम किया? कॉलर नहीं है, नहीं तो अभी उठा देता। इसलिए नहीं है कॉलर।
क्योंकि तुमने करा ही नहीं है कुछ। मैंने हैप्पी दिवाली का काटा, मैंने रंगोली बनाई, मैंने दिए काटे वो चिपकाए हैं और दो तीन झालर भी लगाई हैं। ये जो तुम काटा काटा ये जो चल रहा है ना, ये तुम्हारी आइडिया था। और अगर मैं दिखा दे रहा हूँ चिपकाया काटे वाला, मुझे दिख रहा है वो ये गिर रहा है उसमें से दिवाली का ए गिरा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ए हिल के नीचे गिर गया। कोई नहीं, जोक्स अपार्ट बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने एक साथ कुछ काम किया डेकोरेशन का इंस्टेड ऑफ बर्थडे। मैंने तो बर्थडे पे अकेले किया हुआ है और ये मुझे बता रही है कि लाइट्स मैंने लगवाई है। मैंने अकेले ने लगा दी थी बर्थडे पे साइड लाइट। नहीं, एक तो प्रॉब्लम भी पता है क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना टेप से चिपका नहीं सकते आप लाइट्स को, क्योंकि यहाँ की जो वॉल है ना वो थोड़ी क्या स्टिकी सी नहीं है, है ना। कट हो गए, ये कट है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा ना, ये मैं रखूंगा। क्या है एडिटिंग, कुछ वर्ड क्या बोला ना होता है एडिटिंग में, कट कर देंगे, ऐसे नहीं करते। ठीक है, तो अभी तो बताओ ना हमारी दीवार में क्या दिक्कत है। हमारी दीवार चिकनी है, जैसे चमेली है ना, वैसी चिकनी हमारी दीवार है। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम अब तैयार होके आते हैं, स्पेशली मैंने तो कुछ भी नहीं पहना फिलहाल, थोड़ा सा अच्छा लगने अगर थोड़ी सी फील ले लेता हूँ दिवाली की। आप तब तक सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो जो हमने काम करा है। प्रेस भी करनी है अभी तुम्हें पहले। तुमने प्रेस भी नहीं करी मेरे लिए। सी यू गाइस। ओके, देख ली डेकोरेशन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, काफी मेहनत लगी है मेरी भी और साक्षी की, साक्षी ने भी काफी मेहनत करी है। तो ओहो, आज तो पूरा दिखाता हूँ, एक सेकंड पूरा दिखाता हूँ। तुम भी अच्छे लग रहे हो, मस्त एकदम मिनिस्टर टाइप। मिनिस्टर वोट इन्हीं को करना, वोट इधर ही जाने चाहिए सारे, कमल के फूल पे, झाड़ू पे, जितने भी सिंबल है सब अपने ही है। हैंडसम लग रहे हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू नो। थैंक यू। वो बस ये मेरा आखिरी इंडियन अटायर है, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। साड़ी में अच्छी लगती हो तुम। थोड़ा अलग सा लुक आ जाता है एकदम से। I love wearing साड़ी। अब हमें जाना है पूजा करने, क्योंकि टाइम हो रहा है पूजा का, शाम हो चुकी है, आई थिंक 7:30 हो रहा है। yeah. तो हम पूजा कर लेते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली दिखाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें हैं, बस हम दोनों ये थोड़ी खास चीज है। बस एक जो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हो सकता है यहाँ पे रहने का, यूएस में रहने का, स्पेशली यूटा स्टेट में, एक तो इंडियंस बिल्कुल नहीं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम इंडियंस है, तो इसलिए काफी सारी चीजें मिस हो जाती है, काफी सारी चीजें मिलती भी नहीं है। तो ये जो डेकोरेशन है इसमें भी थोड़ा क्रिसमस मिक्स है और थोड़ा सा दिवाली मिक्स है, पर काम चलाना पड़ता है, ऐसे ही एंजॉय करते हैं हम फेस्टिवल्स को, काफी टाइम हो गया अब तो। हो गई हमारी पूजा, अब हम लगाएंगे दिए, बाहर रख देते हैं सबसे पहले घर के। ये हमारे कल के दिए भी रखे हैं यहीं पे। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रंगोली, थोड़ी सी बनाई है जितने भी कलर्स थे। वैसे यहाँ पे हमें रंगोली कलर्स अभी मिले नहीं थे, तो ये जो हमने यूज करा है ये स्पार्कलिंग शुगर है और ये अचल का आइडिया था। लो जी साक्षी जी, हाँ जी, आपके लिए सामान आ गया है, मैंने आज आपको गिफ्ट दे दिया है। सिर्फ आपका नहीं है, साथ में, जस्ट बिकॉज आपने इतनी मेहनत करी है आज डेकोरेशन में, उसके लिए आपको एक छोटा सा गिफ्ट। आज हमने खाना फिर बाहर से ही मंगा लिया, बिकॉज काफी सारी मेहनत हो गई थी आज साक्षी की। एंड मेन रीजन बताओ ना, तो मैं बाहर का भी खाना था और बहुत टाइम हो गया था बाहर से खाए हुए, तो सोचा कि आज दिवाली के मौके पे बाहर से मंगा लेते हैं। बट दिक्कत क्या हुई, पहले से ही एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसने डिलीवर नहीं किया, अब दोबारा जो यहाँ का खाना होता है वही मंगाना पड़ा। पहले बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार अब मेरे को बनाना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि 9:30 सब बंद हो जाता है। पहले जो हमने मंगाया था वो इंडियन था, लेकिन वो फिर उन्होंने डिलीवर नहीं किया, कैंसिल हो गया ऑर्डर, तो अभी जो है वो थोड़ा इटालियन फूड है। तो फिर आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या मंगाया है। पास्ता विद गार्लिक ब्रेड, शायद क्या तुमने था ऐसी कुछ अजीब सा नाम था। पिज्जा, हाँ, ज्यादा जला दिया क्या? मैंने थोड़ा स्पाइसी बोला, उसको स्पाइसी कर देना। ठीक है खा लेते फिर। हाँ जी, बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने करी है बहुत मेहनत, और अचल ने तो खूब खाया शायद। मैंने मेरे पीछे पीछे जब मैं काम कर रही थी ना तब तुमने खूब खाया है। और हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है, बेस्ट अभी तक की, इतनी अच्छी तो मैंने इंडिया में भी नहीं करी शायद।
अच्छा लग रहा है काफी। हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सो गाइस, हमारा खाना पीना सब खत्म, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, आई होप आपका भी अच्छा रहा हो। हैप्पी दिवाली फिर से सबको हमारी तरफ से, हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप सबको ऐसे ही मिलते हैं बहुत अच्छे व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। फिर मिलते हैं आपको, टिल देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू डोप दुहुंस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हैप्पी दिवाली। साड़ी पहनना इज नॉट इजी यार, बार बार गिरे जा रहे हैं ऐसे। अच्छी लग रही है वैसे, दोबारा थैंक यू, ये वाला कलर सही लग रहा है। गाइस प्लीज लाइक फॉर मी, ओके।